नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जगत जानकारी में। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी पैसिटोमी फाइनल रिजल्ट के बारे में, बीपीएससी 66वीं फाइनल रिजल्ट के बारे में, और बीपीएससी 67 में कुछ 139 और सीट्स को ऐड किया जाने वाला है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है आप लोगों के लिए, बीपीएससी की तरफ से न्यूज़ का एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिए, वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीनों ही चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा, बीपीएससी 67 को भी, 66 वाले को भी, 67 और 67 बीपीएससी में जो भी बदलाव किए गए हैं, एडिशन हुए हैं, उसको भी पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक न्यूज़पेपर में आप लोगों को आर्टिकल दिख रहा होगा, ये बोल रहे हैं बीपीएससी की 65वीं परीक्षा का परिणाम 7 अक्टूबर को रिजल्ट दिखाने से पहले जारी किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि बीपीएससी 65 जो कि आप लोगों को पता है कि इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और मेडिकल की भी पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो उनका रिजल्ट जो है वो 7 अक्टूबर को मतलब कल के दिन अनाउंस किया जा सकता है या किया जा रहा है। पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। तो 7 अक्टूबर को आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है बीपीएससी 65वीं वाले भर्ती वाले बच्चों के लिए, ठीक। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है दैनिक जागरण से, आप लोगों का ये इन्फॉर्मेशन लिया गया है। ये न्यूज़ का कटा हुआ पेपर को आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि बीपीएससी की 65वीं परीक्षा का परिणाम 7 अक्टूबर को रिजल्ट देखने से पहले जाने, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम बीपीएससी 67 में जो 139 सीटों पे जो भरा गया था, जो एडिशन किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। 66 वाले को उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो आप लोग 66 वाले प्लीज छोड़िएगा नहीं, देखिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं कि बिहार सरकार की तरफ से एक नोटिस आई है, 2 अक्टूबर के दिन आप लोगों को नोटिस आया। आप लोग कहेंगे हम 2 अक्टूबर को छुट्टी होती है, नहीं 2 अक्टूबर को छुट्टी होती है, लेकिन नोटिस आप लोगों तक यहाँ पे मिला गया है। 2 अक्टूबर 2021 को नोटिस आया है। नोटिस ये आया है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से जो है आप लोगों को ये नोटिस दिया जा रहा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें ये बोल रहे हैं कि 139 पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए आप लोगों का सीट बढ़ाया जाएगा, ठीक। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 139 सीटों का बढ़ाया जा सकता है, पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। अभी बीपीएससी जो है बीपीएससी पे अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, बीपीएससी के वेबसाइट पे आप लोगों को ये अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा 139 सीटों का जो है वो भर्ती और लिया जा रहा है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये तीसरा नंबर जो है, ठीक है, अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के लिए आप लोगों का पोस्ट रखेगा, सीधी भर्ती आप लोगों की होगी, ठीक है, सीधी भर्ती होगी, स्नातकोत्तर, ठीक है, आप लोग ग्रेजुएट होंगे, ग्रेजुएट वालों के लिए सीधी भर्ती है, 139 सीट होने वाली है और लेवल 7 के आप लोगों की पेमेंट की जाएगी, ठीक है। तो अभी अनुमंडल में एक एक तथा जिलों में एक एक जो है लोगों का जो है वो लिया जाएगा, ठीक, एक एक लोगों का हिसाब से आप लोगों का भर्ती सीधा भर्ती कराया जाएगा। तो 139 सीटों के भर्ती के लिए बीपीएससी के वेबसाइट पर जल्द अनाउंसमेंट किया जा सकता है, ये सूत्रों के हवाले से हम लोगों को एक पीडीएफ मिला है तो आप लोगों तक बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो कि अंतिम हमारी दी इम्पोर्टेंट चीज कि बीपीएससी 66वीं जो मेंस का रिजल्ट था वो कब तक रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो इस बार बात करते हैं बीपीएससी 66, ठीक है, रिजल्ट मेंस रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्री का एग्जाम हो चुका है, मेंस का एग्जाम भी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, मेंस के रिजल्ट के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो थोड़ी सी बुरी खबर है आप लोगों के लिए कि ये रिजल्ट जो है वो तो इसमें थोड़ा सा लेट होने वाला है, तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों का लेट होने वाला है, जिसमें कि आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि सूचना ये मिल रही है कि मूल्यांकन के लिए तथा और कॉपी की और जो आपकी कॉपी होती है उसकी जांच के लिए थोड़ा सा समय लग रहा है। तो समय लगने का मतलब ये है कि आप लोगों का ये अक्टूबर के महीने में तो आप लोगों का रिजल्ट अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा, अक्टूबर के महीने में आप लोग
और नवंबर के फर्स्ट वीक तक भी आप लोगों का, फर्स्ट वीक मतलब पहले सप्ताह तक आप लोगों का, पहले सप्ताह तक आप लोगों का रिजल्ट अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। सप्ताह तक आप लोगों का रिजल्ट अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा, इसका मतलब यह है कि 15 नवंबर के बाद, 15 नवंबर के बाद आप लोगों का रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जा सकता है मेंस के लिए, ठीक है। तो मेंस के लिए आप लोग 15 नवंबर के बाद आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस करेंगे, तो BPSC छात्र शेड्यूल भर्ती वालों के लिए 15 नवंबर को आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, आप लोगों के लिए तीनों ही चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जगह जानकारी को आप लोग फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।